असीम रियाज ने कह दिया है वहां पे, सिद्धार्थ शुक्ला तू है सबसे बड़ा फ्लिपर, शो का सबसे बड़ा फ्लिपर, सना नहीं तू है, इस तरीके की बात वहां पर असीम रियाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को कह दिया है। लेकिन वहां पर अगर बात की जाए तो शो बहुत ही अलग तरीके से चल रहा है। क्या हुआ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट ट्रेडर्स। जब कल का डे हमने देखा, एक इम्यूनिटी टास्क लिया गया, चार लोगों को, किसी को भी एक को बचाने के लिए वो इम्यूनिटी टास्क लिया गया। जो इम्यूनिटी टास्क वहां पर पारस छाबड़ा है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। लेकिन फिर एक बार दो कछुए के सेल्स वहां पर भेज दिए जाते हैं और फिर वो शुरू रखा जाता है सना और आरती के बीच में। लेकिन फिर भी पारस छाबड़ा अपना दिमाग चला के सही तरीके से उन दोनों को भी आउट कर देते। अब ये होने के बाद जाहिर सी बात है कि तीन ही लोग वहां पे फिनाले में जाते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ, आसिम और रश्मि देसाई। लेकिन फिर एक बार दूसरा इम्यूनिटी टास्क लाने की वहां पे जरूरत क्या थी बिग बॉस को? जो पिंजरे वाला टास्क हमने देख रहे हैं, हमने कल प्रोमो में भी देखा जहां पर पारस छाबड़ा को बचाने की बात की जा रही है। अब वो इसलिए लाया गया क्योंकि बिग बॉस की एक ऐसी सोच है कि आरती सिंह को कैसे टॉप फाइव में लिया जाए, तो इसका जो पूरा जो जिम्मेदारी है तो ये सौंप गई थी बिग बॉस के कंटेस्टेंट के ऊपर, क्योंकि लोग तो कैसे भी करके इनको बाहर ही निकालने वाले हैं, तो इनको घर के अंदर ही सेफ कैसे किया जाए, इस तरीके की चीजें वहां पे बिग बॉस की सोच रहे थे। और उनको पता था कि सिद्धार्थ शुक्ला की करीबी, बहुत करीबी है आरती सिंह, इनके साथ इन्होंने कभी धोखा नहीं किया। रश्मि देसाई की बहुत करीबी है आरती, तो दोनों के तो वोट्स मिल गए। फिर असीम रियाज भी ऐसे भी मान जाएंगे आरती सिंह के लिए, तो यहां पे सोच थी आरती सिंह को सेव करने के लिए, क्योंकि पारस माहिरा के साथ असीम रियाज का बनता नहीं है और शहनाज गिल और इनके साथ बहुत सारी अनबन इनकी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो आरती सिंह सेफ हो जाती। लेकिन वहां पर जहां पर बिग बॉस की सोच खत्म हो गई आरती सिंह पे, वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला की सोच शुरू हो गई। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ने वहां पे पारस छाबड़ा को पे बैक किया और पारस छाबड़ा को वहां पे सेव किया है, इस तरह की खबरें आ रही है। और इसी बात पर भड़क उठे हैं असीम रियाज और इन दोनों में हुआ है बड़ा झगड़ा, और वो बोल रहे हैं कि शो के एंड में तूने जो है एक ऐसे कंटेस्टेंट को बचाया, एक इतना बड़ा फ्लिप मारा है कि तू सबसे बड़ा फ्लिपर है, इस तरीके की बात असीम रियाज ने वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला को कही है। और कहीं ना कहीं सना को नहीं बचाया, आरती को नहीं बचाया, उनके सामने उनको बातें कह रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला का इस पर ये कहना है कि तू अब हमारी दोस्ती नहीं तोड़ सकता भाई, ये बहुत टाइम हो गया, अब तू ये बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी और जो मुझे करना था, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया है, इस तरीके की बातें वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला ने की है। आपका क्या है इस पूरे मामले को देखना हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इतने बड़े इम्यूनिटी टास्क लेना किससे बचाने की साजिश है आपके हिसाब से, क्योंकि ऑडियंस का भी तो कहना आना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस पर कोई बड़ी खबर आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।